Hello everyone, I am Professor N.B. Chatte, welcomes you all in the 23rd lecture of the Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have started our third topic and the name of the third topic is three-phase alternator, right? So in this three-phase alternator, we firstly covered the definition of the alternator, right? So in last class we have covered this point, the definition of the alternator, then types of the alternator, right? Then we have covered classification of alternators based on speed, then based on capacity and generated voltage, and based on the construction. Then we have discussed the working principle of the alternator, that is single turn alternator, right? So this is the working principle of the single turn alternator, right? So what is working principle of the alternator, right? Three phase alternator, that is principle of alternator depends upon the Faraday's laws of electromagnetic induction. जो प्रिंसिपल होता है अल्टरनेटर का वो आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है? सो व्हेन द फील्ड वाइंडिंग गेट्स एक्साइटेड, जब आपकी फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होती है, देन फील्ड करंट फ्लोस थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, तब आपके फील्ड वाइंडिंग में से फील्ड करंट फ्लो होता है, सो विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप, तब वहां पे एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है? आपल्याला माहिती आहे अल्टरनेटरचं जे प्रिंसिपल आहे ते कशावरती डिपेंड आहे, फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वरती. त्यामुळे जेव्हा आपली फील्ड वाइंडिंग एक्साइट केली जाते, म्हणजे जेव्हा आपण फील्ड वाइंडिंगला सप्लाय देतो, तेव्हा फील्ड करंट फ्लो होतो तिथल्या फील्ड वाइंडिंग मधून, आणि त्यामुळे तिथं मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होतो एअर गॅप, ठीक आहे? स्टेटर आणि रोटरच्या एअर गॅप मध्ये तिथं मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होतो, ठीक आहे? नेक्स्ट पॉइंट आहे, एज द प्राइम मूवर रोटेट्स, आपका प्राइम मूवर रोटेट होता है यहाँ पे, सो द फील्ड वाइंडिंग ऑल्सो रोटेट्स, फील्ड वाइंडिंग भी क्या होगी आपकी तब रोटेट होगी, ठीक है? एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो रोटेट्स, वहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है? इथं प्राइम मूवर रोटेट होतो है, त्यामुळे फील्ड वाइंडिंग सुद्धा रोटेट होते, ठीक है? तर प्राइम मूवर म्हणून आपण वेगवेगळे टर्बाइन्स यूज करतो, ठीक है? मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला वेगवेगळ्या कॅपॅसिटीच्या अल्टरनेटर साठी वेगवेगळे आपण प्राइम मूवर यूज करतो, ठीक आहे? तर प्राइम मूवर आपल्या तिथल्या अल्टरनेटरला कपल्ड केलेला असतो, त्यामुळे प्राइम मूवर रोटेट झालं ऑटोमॅटिकली तिथे फील्ड वाइंडिंग सुद्धा काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे, अँड हेन्स द मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो रोटेट, आपका मॅग्नेटिक फ्लक्स भी वहां पे रोटेट हो जाएगा. सो दिस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इज कट बाय द स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर. ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो वहां के स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स को कट करेगी, ठीक है? ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि इतने स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स ला कट करते, एंड सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ईएमएफ इज इंड्यूसिंग द आर्मेचर कंडक्टर. त्यामुळे अकॉर्डिंग जे आपलं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है त्याच्यानुसार आपल्या आर्मेचर कंडक्टर्स मध्ये ईएमएफ इंड्यूस होतो, कारण फॅराडेज लॉ स्टेट काय करतो, व्हेनेवर कंडक्टर कट द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर, ठीक आहे? की जेव्हा एखादा कंडक्टर तिथल्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सला कट करतो किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्सला कट करतो, तेव्हा त्या कंडक्टर मध्ये काय होत असतं, ईएमएफ इंड्यूस होत, ठीक आहे? अशा प्रकारे ईएमएफ इंड्यूस होतं अल्टरनेटर मध्ये, क्लिअर आहे? Now we'll see the construction of alternator. So these are the here the diagram shows its dismantle view of the alternator, right? So this is the pulley, this is the rotor, right? So this is drive end shield, right? This is the collector end collector ring end shield. This is our rotor, ye hai aapka rotor, ye hai aapka stator. ये सारे मेन पार्ट्स इसमें ये कंस्ट्रक्शन में दिखाए हैं यहाँ पे. सो दिस इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टरनेटर. ये डायग्राम आपको मेन एग्जाम में निकालनी होती, ठीक है?
तो यहाँ पे देखो क्या क्या मेन पार्ट्स है आपके, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपकी स्टेटर फ्रेम, कार का जो पार्ट है, तो ये होता है आपकी स्टेटर फ्रेम, ठीक है, ये स्टेटर है आपका, ठीक है। देन ये जो है, ये है आपकी स्टेटर कोर, ये है आपकी स्टेटर कोर, यहाँ पे केज वाइंडिंग दिखाई है, ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज दिखाए हैं, ठीक है। देन ये केज बार्स है आपके, केज बार जैसे रहते हैं स्क्विरल केज मोटर्स में होते हैं बार्स, ठीक है, वैसे केज बार्स दिखाए हैं आपको। देन यहाँ पे एक्साइटर दिखाया है, ठीक है, एक्साइटर। देन हियर आर दी ब्रशेस, ठीक है। देन दीज आर दी स्लॉट्स, ये रहेंगे आपके स्लॉट्स, ठीक। देन उसके बीच में आपके ये रिंग्स रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका बीच में रोटर रहेगा, क्लियर है। और यहाँ पे आपके टर्मिनल बॉक्स में यहाँ पे स्टेटर टर्मिनल्स आए होंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अगर डिफिकल्ट लग रही है तो नेक्स्ट डायग्राम भी है अपने पास कंस्ट्रक्शन की, वो सिंपल डायग्राम है, आप वो भी निकाल सकते हो। यहाँ पे दिखा रहे हो स्टेटर कंडक्टर सही है आपके, ठीक है, और ये है आपका रोटर फील्ड, ठीक है। यहाँ पे दो पोल्स दिखाए हैं, यन पोल एंड यस पोल, ठीक है। तो ये स्टेटर कंडक्टर और ये यहाँ पे रोटर फील्ड दिखाई है, क्लियर है। तो ये भी डायग्राम निकाले तो भी चलता है आपको, कंस्ट्रक्शन अगर बोला है आपको अल्टरनेटर का, तो ये डायग्राम भी आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये डायग्राम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे थ्री फेज आउटपुट है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है आपकी, ये रोटर विथ फील्ड वाइंडिंग है, ये आपका रोटर है, ठीक है, और इस पे ऊपर एक वाइंडिंग वाउंड किया हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये होती है आपकी रोटर वाइंडिंग। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्लिप रिंग है, ठीक है, ये रोटर है आपका, और यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देते हैं रोटर को, यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप मेन एग्जाम में निकाल सकते हो कंस्ट्रक्शन के लिए अल्टरनेटर के, समझ लो, या तीन ही पैकी कुटली ही डायग्राम काट ली करी तब तक। नाउ सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कंस्ट्रक्शन वी नो दैट द अल्टरनेटर इज अ सिंक्रोनस टाइप ऑफ मशीन, एंड अल्टरनेटर जो होता है वो सिंक्रोनस टाइप का मशीन होता है। तो इन दिस मशीन वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वी हैव क्लासिफाइड द अल्टरनेटर इंटू टू टाइप्स, दैट इज रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर एंड रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। सो इन दिस अल्टरनेटर मेनी ऑफ द अल्टरनेटर्स आर ऑफ रिवॉल्विंग टाइप, रिवॉल्विंग टाइप के अल्टरनेटर्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। सो इन दैट फील्ड वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द रोटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, ठीक है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आपकी रोटर पे प्लेस की होती है और आर्मेचर वाइंडिंग आपकी स्टेटर पे प्लेस की प्लेस करते हैं अपन, ठीक है। एंड हियर तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये फील्ड वाइंडिंग इट इज दीज फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डीसी सप्लाई। ये जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे दिख रहा है आपको कनेक्ट किया हुआ, ये फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल डीसी सप्लाई, इसको हम एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से हम इसको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटर, उसको बोलते हैं अपन एक्साइटर, ठीक है। तो द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स, फील्ड वाइंडिंग यहाँ के आपके एक्सटर्नल डीसी सोर्स को कनेक्ट किए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटर, उसको एक्साइटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थ्रू ये जो सप्लाई देते हैं वो हम थ्रू अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग से देते हैं, पेयर ऑफ स्लिप रिंग यहाँ पे यूज किए होते हैं उसके पेयर, और उससे थ्रू हम फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, और उस एक्सटर्नल सोर्स को बोलते हैं एक्साइटर, ये ध्यान में रखो, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस आर्मेचर वाइंडिंग इज अ थ्री फेज वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो आपकी थ्री फेज वाइंडिंग होती है, विच इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, वो कहाँ पे प्लेस किया है अपने स्टेटर पे, एंड एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन दी आर्मेचर वाइंडिंग, वी नो दैट आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है यहाँ पे ई एम एफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन, ठीक है। देन जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, यानी वहां पे इंड्यूस वोल्टेज हो, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में, वाइंडिंग में। सो द इंड्यूस वोल्टेज इन दिस वाइंडिंग इज अप्लाइड टू द लोड, बाद में वो ही इंड्यूस वोल्टेज हम कहाँ पे देते हैं, लोड को देते हैं, ठीक है। और ये आपका थ्री फेज एसी वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है आपकी, आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर वाइंडिंग वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। और वो आर्मेचर वाइंडिंग को अपने को मालूम है यहाँ पे प्राइम मूवर ही यहाँ पे यूज करते हैं अपन, दैट प्राइम मूवर इज कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर। प्राइम मूवर आपका जो होता है वो ये आपके अल्टरनेटर के शाफ्ट को कपल्ड किया होता है। प्राइम मूवर में भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर्स आर यूज, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्राइम मूवर्स यूज करते हैं अपन, वेरियस टाइप्स ऑफ टर्बाइन यूज करते हैं, या फिर डीजल जनरेटर, या फिर मोटर भी वो हम प्राइम मूवर बोल के वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और वो हम यहाँ पे अल्टरनेटर के शाफ्ट को वहाँ पे कपल करते हैं। सो दी प्राइम मूवर इज यूज टू रोटेट द आर्मेचर, ये आर्मेचर जो है आपका उसको रोटेट करने के लिए वो प्राइम मूवर यूज करता है, यूज करते हैं हम। और ये आर्मेचर अपने को मालूम है आर्मेचर, दैट आर्मेचर इज रोटेटेड एट अ स्पीड दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन देखा है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन देखा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर में अभी अभी देखो, यहाँ पे जो स्टेटर फ्रेम है आपकी, दिस स्टेटर फ्रेम कैन बी मेड अप फ्रॉम कास्ट आयन, ये कास्ट आयन से बनाते हैं अपन टू सपोर्ट दी स्टेटर कोर। स्टेटर फ्रेम को हम कास्ट आयन से बनाते हैं, और वो क्या करती है आपके स्टेटर कोर को सपोर्ट करती है, ठीक है। सो स्टेटर कोर हैज स्लॉट्स, स्टेटर कोर पे क्या होते हैं आपके स्लॉट्स होते हैं ऑन इट्स इनर पेरीफेरी, उसके इनर पेरीफेरी पे वहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू होल्ड द स्टेटर कंडक्टर्स, और वो स्लॉट्स में हम क्या करते हैं स्टेटर कंडक्टर्स वहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोटर पे देखो, रोटर हैज अल्टरनेट एन एंड एस पोल, जो रोटर रहेगा आपका उस पे अल्टरनेट एन एंड एस पोल रहेंगे, जैसे ये डायग्राम में दिखा है, ये रोटर है आपका, इस पे अल्टरनेट एन एंड एस पोल्स होते हैं ऑन इट्स आउटर पेरीफेरी, क्लियर है। सो दीज मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द रोटर आर एक्साइटेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स, ये मैग्नेटिक पोल्स को हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स से उसको एक्साइट करते हैं, यानी उसको सप्लाई देते हैं, और उसको ही हमने बोला है एक्साइटर। उस एक्सटर्नल डीसी सोर्स को क्या नाम दिया है अपने, एक्साइटर, क्लियर है। तो ये डीसी सप्लाई जो है यहाँ पे दे रहे हैं हम, उसको ही बोलेंगे हम एक्साइटर, क्लियर है। तो दिस इज होल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टरनेटर। अभी अल्टरनेटर ऑल्सो हैज टू मेन पार्ट्स लाइक दैट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, फर्स्ट वन इज द स्टेटर एंड सेकंड वन इज द रोटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज स्टेटर, ठीक है। स्टेटर क्या होता है देखो, स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर, जैसा हमने बताया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, स्टेटर क्या होता है आपका स्टेशनरी पार्ट होता है अल्टरनेटर का, एंड कंटेन्स द थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें क्या होती है आपकी थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग होती है। नाउ द स्टेटर कोर इज बिल्ट अप ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, स्टेटर कोर को हम बिल्ट अप करते हैं सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन से। और यहाँ पे लैमिनेशन क्यों यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील के, क्योंकि वहां के एडी करंट लॉसेस को हमें कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, आपल्याला माहित आहे स्टेटर हा स्टेशनरी पार्ट आहे, इथं सुद्धा अल्टरनेटरचा, जसं आपण थ्री फेज इंडक्शन मोटर मध्ये सांगितलं होतं, आणि याच्यामध्ये थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग असते, आणि स्टेटर कोर ही आपण बिल्ट अप केलेलं असतं सिलिकॉन स्टील लॅमिनेशन पासून। हे लॅमिनेशन कशामुळे यूज करायचे आहेत आपल्याला, सिलिकॉन स्टीलचे लॅमिनेशन कशामुळे यूज करायचे, स्टेटर की कोर बनवण्यासाठी, कारण आपल्याला तिथले एडी करंट लॉसेस हे रिड्यूस करायचे असतात, ठीक आहे। तर हा पहिला पॉइंट आहे। सेकंड पॉइंट आहे, द लॅमिनेशन आर प्रोव्हाइडेड विथ स्लॉट्स, आता जे लॅमिनेशन आहे त्याच्यावरती स्लॉट्स प्रोव्हाइड केलेले असतात त्याच्या इनर पेरीफेरीवरती, अँड आर पॅक्ड टाईटली टुगेदर, आणि ते सगळे पॅक केलेले असतात टाईटली एक टुगेदर मध्ये बाय कास्ट आयन फ्रेम, कास्ट आयन फ्रेमच्या साह्याने ते पॅक केलेले असतात टाईटली, पॅक्ड टाईटली केलेले असतात एकमेकांमध्ये, ठीक आहे। तो लॅमिनेशन
यहाँ पे ये स्पॉट्स प्रोवाइड किए होते हैं उसके इनर पेरिफेरी पे, और वो सारे लैमिनेशंस को हम टाइटली पैक कर रहे हैं एक दूसरे में, किससे पैक करते हैं, कास्ट आयरन फ्रेम, क्लियर है। तो ये है सेकंड। थर्ड पॉइंट है द थ्री फेज वाइंडिंग्स आर प्लेस इन दी स्लॉट्स। जो थ्री फेज वाइंडिंग है अपनी, ये यहाँ पे बोला था अपने, कि थ्री फेज वाइंडिंग हम क्या करते हैं वो स्लॉट्स में प्लेस करते हैं, जो स्टेटर कोर के ऊपर जो स्लॉट्स है उसमें हम थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस करते हैं, एंड सर्व एज दी आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर। वही थ्री फेज वाइंडिंग आपकी आर्मेचर वाइंडिंग बोल के वहाँ पे सर्व होती है आपके अल्टरनेटर के। नाउ द आर्मेचर वाइंडिंग्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार। आर्मेचर वाइंडिंग हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड द न्यूट्रल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। उसका न्यूट्रल हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग थ्री फेज वाइंडिंग असल्यामुळं आपण ती काय करतो, इथं स्टार मध्ये कनेक्ट करतो, आणि जो न्यूट्रल पॉइंट आहे तो न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करायचा आहे आपल्याला ग्राउंडला, ठीक आहे। तर हे जे दिसते तुम्हाला डायग्राम मध्ये या फोटोग्राफ मध्ये, दिस इज स्टेटर, ठीक आहे, हे अशा टाईपचं स्टेटर असतं अल्टरनेटर मध्ये, क्लिअर आहे। नाउ सेकंड जो त्यामधला मेन पार्ट आहे तो आहे आपला रोटर। रोटर वी नो दॅट रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर। रोटर हा रोटेटिंग पार्ट असतो अल्टरनेटर, जसा थ्री फेज इंडक्शन मोटर मध्ये सुद्धा रोटर हा रोटेटिंग पार्ट होता, ठीक आहे। सो इट कॅरीज अ फील्ड वाइंडिंग, आणि रोटर वरती आपल्याला माहिती आहे फील्ड वाइंडिंग असते, विच इज सप्लाइड विथ डीसी करंट, आणि त्या फील्ड वाइंडिंगला डीसी करंट प्रोव्हाइड करायचं आपल्याला थ्रू दी टू स्लिप रिंग। दोन स्लिप रिंगच्या साह्यानं त्या फील्ड वाइंडिंगला आपल्याला डीसी करंट सप्लाय करायचं आहे बाय अ सेपरेट डीसी सोर्स। एक सेपरेट डीसी सोर्सच्या साह्यानं आपल्याला त्या फील्ड वाइंडिंगला डीसी करंट दोन स्लिप रिंगच्या साह्याने सप्लाय करायचं। तर धीस डीसी सोर्स दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्सायटर। त्याच डीसी सोर्सला नाव दिलं आहे आपण एक्सायटर, ठीक आहे। अँड धीस एक्सायटर इज जनरली अ स्मॉल डीसी जनरेटर। एक स्मॉल डीसी जनरेटर होता है माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर, वो आपके शाफ्ट के ऊपर ही माउंट किया होता है, ठीक। सो नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ द रोटर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द रोटर। फर्स्ट वन इज द सेलियंट पोल टाइप रोटर एंड सेकंड वन इज द सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, ठीक है। ये दो टाइप्स है, सेलियंट पोल टाइप रोटर एंड सेकंड है आपका सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। ऐसे दो टाइप्स है रोटर के अल्टरनेटर में, ठीक है। जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो रोटर के टाइप्स देखे थे, एक होता है वाउंड टाइप रोटर और दूसरा होता है आपका स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। वहां पे ये दो टाइप्स देखे थे रोटर के। अभी अल्टरनेटर में ये दो टाइप्स हैं, सेलियंट पोल टाइप रोटर और सेकंड है आपका सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द सेलियंट पोल टाइप रोटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका फोटोग्राफ, सेलियंट पोल टाइप का रोटर है ये, राइट। तो इसके क्या पॉइंट दिए है देखो, ठीक है। बहुत बार एक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसा पूछते हैं, कंपेरिजन बिटवीन सेलियंट पोल टाइप एंड स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, कंपेरिजन पूछते हैं बहुत बार आपको, ठीक है। तो ये कंपेरिजन आपको लिखना आना चाहिए, उसके लिए आपको ये सेलियंट पोल टाइप के जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट दिया है, सेलियंट मीन्स स्टिकिंग आउट और प्रोजेक्टेड आउट। सेलियंट का मीन्स होता है, सेलियंट का मतलब होता है स्टिकिंग आउट और प्रोजेक्टेड आउट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये रोटर है आपका, ठीक है, और ये रोटर का जो सरफेस है उसके बाहर ये प्रोजेक्टेड आया हुआ है, ये प्रोजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये प्रोजेक्शन आया है रोटर के सरफेस के बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेलियंट का मतलब है स्टिकिंग आउट और प्रोजेक्टेड आउट। ये आपका रोटर का सरफेस है और इसके बाहर या प्रोजेक्टेड आउट हुए है, ठीक है। सो ए सेलियंट पोल इज अ मैग्नेटिक पोल, ये आपका मैग्नेटिक पोल होता है दैट इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द रोटर सरफेस। ये जो रोटर सरफेस है उसके आउट ऑफ में ये प्रोजेक्ट किए होते हैं, ठीक है। सो ए सेलियंट पोल इज अ मैग्नेटिक पोल दैट इज प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द रोटर सरफेस, और रोटर सरफेस पे से प्रोजेक्टेड आउट होते हैं ये मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं आपके सारे, क्लियर है, समझ ला। सेलियंट का
मिनिंग काय होतो इथं, सेलियंटचा मिनिंग असतो स्टिकिंग आउट किंवा प्रोजेक्टेड आउट. ठीक आहे, म्हणजे सेलियंट पोल जे आहे ते आपले मॅग्नेटिक पोल्स आहेत आणि ते प्रोजेक्टेड आउट असतात, प्रोजेक्टेड आउट असतात रोटरच्या सरफेसच्या, प्रोजेक्टेड आउट असतात रोटरच्या सरफेसच्या. ठीक आहे, सेकंड पॉइंट आहे, सेलियंट रोटर हॅज लार्ज डायमीटर अँड स्मॉल एक्झियल लेंथ. याची जी डायमीटर आहे, डायमीटर लार्ज असते आणि एक्झियल लेंथ स्मॉल असते. ठीक आहे, एक्झियल लेंथ स्मॉल असते, डायमीटर लार्ज असते पण त्याची लेंथ ही स्मॉल असते, एक्झियल लेंथ ही स्मॉल असते. समजा देन थर्ड पॉइंट आहे, सेलियंट पोल अल्टरनेटर्स आर स्लो स्पीड मशीन्स. ये आपके स्लो स्पीड मशीन्स होते हैं और इसकी स्पीड होती है, स्पीड वेरिंग फ्रॉम 150 टू 600 आरपीएम. इसकी स्पीड होती है 150 टू 600 आरपीएम तक. ये सेलियंट पोल अल्टरनेटर ये स्लो स्पीड मशीन है आपके, और इसकी स्पीड वेरी होती है 150 टू 600 आरपीएम. ठीक है, सो दीज अल्टरनेटर्स आर ड्रिवन बाय हाइड्रोलिक टर्बाइन. इसके लिए प्राइम मूवर जो यूज करते हैं वो होता है आपका हाइड्रोलिक टर्बाइन. ये टाइप के अल्टरनेटर्स को, दीज अल्टरनेटर्स आर ड्रिवन, ड्रिवन करने के लिए वहां पे हाइड्रोलिक टर्बाइन यूज होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर व्हील जनरेटर्स, उसको ही हम वाटर व्हील जनरेटर्स भी बोलते हैं या फिर हाइड्रो जनरेटर्स भी बोलते हैं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, सेलियंट टाइप रोटर हैज नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप. सेलियंट टाइप के रोटर में नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है एंड टू और फोर पोल्स होते हैं इसमें. एयर गैप कैसे होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, तो ये जो रोटर है आपका, इसके आउटर में आपका स्टेटर रहेगा, राइट. तो एयर गैप कैसे होगा, हर तरफ कॉन्स्टेंट होगा क्या यहाँ पे, नहीं. जहां जहां आपके प्रोजेक्टेड आउट पोल्स है वहां पे एयर गैप स्मॉल रहेगा, और जहां पे पोल्स नहीं है, प्रोजेक्टेड आउट पोल्स नहीं है, वहां पे एयर गैप आपका ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पे सब तरफ एयर गैप आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो सेलियंट टाइप रोटर हैज नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप एंड टू और फोर पोल्स, इसमें दो या फिर फोर पोल्स होते हैं. ठीक है, नाउ सेलियंट पोल कंस्ट्रक्शन कैनॉट बी मेड स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेस एट अ हाइयर स्पीड. सेलियंट पोल का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं बनाते हैं कि वो आपके मैकेनिकल स्ट्रेस आपके हाइयर स्पीड पे वो विदस्टैंड कर सके. ठीक है, सेलियंट पोलचं जे कंस्ट्रक्शन आहे ते तेवढं स्ट्रॉंग इनफ बनवत नाही आपण, कारण तिथले मेकॅनिकल स्ट्रेसेस हाय जे आहे हायर स्पीडला ते त्याला विथस्टँड करू शकत नाही, एवढं स्ट्रॉंग इनफ त्याचं कन्स्ट्रक्शन नसतं सेलियंट पोल टाईपचं. ठीक आहे, सो दीज आर द पॉइंट्स कम्स अंडर द सेलियंट पोल टाईप रोटर. नाउ सेकंड वन इज द सिलेंड्रिकल टाइप रोटर. सो दिस सिलेंड्रिकल रोटर इज नॉन प्रोजेक्टिंग सरफेस. इसमें नॉन प्रोजेक्टिंग सरफेस होता है, यानी इसके जो पोल्स है वो बाहर प्रोजेक्टेड आउट नहीं होते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से इसका नॉन प्रोजेक्टिंग सरफेस टाइप का ये सिलेंड्रिकल रोटर है, तो उसकी वजह से उसको स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर भी बोलते हैं, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर. तो सिलेंड्रिकल रोटर टाइप रोटर हैज स्मॉल डायमीटर. इसकी जो डायमीटर होती है वो स्मॉल होती है और एक्सियल लेंथ जो है वो एक्सियल लेंथ लार्ज है. अभी देखो यहाँ पे एक्सियल लेंथ जो है आपकी वो बहुत लार्ज है और ये डायमीटर इसका स्मॉल है. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे डायमीटर बड़ा था लेकिन एक्सियल लेंथ आपकी स्मॉल थी. ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्सियल लेंथ लार्ज है और डायमीटर यहाँ पे स्मॉल, अपोजिट पॉइंट है ये. ठीक है, नाउ सिलेंड्रिकल रोटर टाइप इज रोटर इज यूज फॉर हाई स्पीड एंड हैज यूनिफॉर्म एयर गैप. हा जो सिलेंड्रिकल जो रोटर आहे, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर जो आहे तो हाई स्पीड साठी यूज केला जातो आणि त्याचा एअर गॅप हा युनिफॉर्म असतो. आता इकडे एअर गॅप आपण जो सांगितला सेलियंट पोल मध्ये तो नॉन युनिफॉर्म एअर गॅप सांगितला आणि इथं कसा आहे तो आता युनिफॉर्म आहे. सिलेंड्रिकल रोटर हा फोर और मोर पोल्स. इकडे आपण सेलियंट पोल मध्ये दोन पोल सांगितले होते. ठीक आहे, इथं बघा दोन किंवा चार पोल सांगितले होते, इथं किती सांगतोय आपण, चार किंवा चार पेक्षा जास्त पोल्स असतात त्याच्यामध्ये सिलेंड्रिकल टाईपच्या रोटर.
हे हाय स्पीड अल्टरनेटर म्हणून यूज केलं जातं आणि याची स्पीड असते 1500 to 3000 RPM अँड आर ड्रिव्हन बाय स्टीम टर्बाईन. इथं जे प्राइम मूवर म्हणून यूज करतोय ते आपण आहे स्टीम टर्बाईन. ठीक आहे, यहाँ पे ये हाई स्पीड अल्टरनेटर फोर के यूज होता है, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप की कंस्ट्रक्शन, और इसकी स्पीड होती है 1500 to 3000 RPM पर. और यहाँ पे जो प्राइम मूवर यूज होता है उसको ड्रिवन करने के लिए, वो होता है आपका स्टीम टर्बाइन. एंड यूज सेलियंट टाइप रोटर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. हम से नॉन सेलियंट टाइप का रोटर ज्यादातर यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दो रीजन दिए हैं. यूज नॉइजलेस ऑपरेशन एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पे हमें नॉइजलेस ऑपरेशन मिलता है. एंड फ्लक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द पेरिफेरी, सो प्रॉपर साइन वेव इज ऑब्टेन्ड व्हिच गिव्स बेटर ईएमएफ. फ्लक्स आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें, क्योंकि पेरिफेरी पे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एयर गैप कैसा है आपका यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पेरिफेरी पे, और वहाँ पे हमें प्रॉपर साइन वेव ऑब्टेन होती है. ठीक है, सो प्रॉपर साइन वेव इज ऑब्टेन विच गिव्स बेटर ईएमएफ, उससे हमें बेटर ईएमएफ मिलता है. क्लियर, ये है आपका सिलेंड्रिकल, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर. ये अगेन दो डायग्राम दिखाए हैं, ये सेलियंट पोल टाइप का रोटर है और ये है आपका स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इसके जो तो पोल्स है ये प्रोजेक्टेड आउट है, और यहाँ पे ये जो है इसका सरफेस स्मूथ सिलेंड्रिकल है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इस सारे तरफ यूनिफॉर्म एयर गैप है. यहाँ पे एयर गैप देखो, यहाँ पे एयर गैप कम है लेकिन यहाँ पे एयर गैप ज्यादा है. जहाँ पे पोल्स प्रोजेक्टेड आउट नहीं है वहाँ पे एयर गैप आपका ज्यादा है और यहाँ पे एयर गैप आपका कम है. ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना है आपको. क्लियर है, तो ये है आपके दो टाइप्स. अभी ये दोनों में कंपैरिजन भी पूछते हैं आपके कभी कभी. ठीक है, सो हियर कंपैरिजन के पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, पोल्स आर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सरफेस. यहाँ पे अनस्लॉटेड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर एक्ट्स एज अ पोल्स, हेंस पोल्स आर नॉन प्रोजेक्टिंग. इसमें नॉन प्रोजेक्टिंग टाइप के पोल्स है, इसके प्रोजेक्टिंग टाइप के पोल्स है. इसमें एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें एयर गैप यूनिफॉर्म है. इसकी डायमीटर हाई है और एक्सियल लेंथ स्मॉल है. इसकी डायमीटर स्मूथ सिलेंड्रिकल की डायमीटर स्मॉल है और इसकी एक्सियल लेंथ लार्ज है. ये मैकेनिकली वीक होते हैं, ये मैकेनिकली रोबूस्ट होते हैं, मजबूत होते हैं ज़्यादा. ठीक है, देन दीज आर प्रेफर्ड फॉर लो स्पीड, दीज आर प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड, दैट इज फॉर टर्बो अल्टरनेट. देन प्राइम मूवर्स यूज आर वाटर टर्बाइन राइसिंग इंजिन सेलियंट पोल टाइप में, ये प्राइम मूवर्स यूज होते हैं. इसमें क्या कौन से होते हैं, स्टीम टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होते हैं. ठीक है, प्राइम मूवर्स. देन फॉर सेम साइज द रेटिंग इज स्मॉलर देन सिलेंड्रिकल टाइप. सेम साइज के लिए रेटिंग जो रहेगी आपकी वो स्मॉलर रहेगी सिलेंड्रिकल टाइप रोटर से, और इसकी इसमें रेटिंग जो रहेगी सेलियंट पोल के टाइप से वो हाइयर रहेगी. देन सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइड, हियर सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग इज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी. तो ऐसे कंपेरिजन के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. ठीक है, या फिर आप अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि कब डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलियंट पोल टाइप रोटर एंड स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर डिपेंडिंग अपॉन दी फॉलोइंग पॉइंट्स, तो इसमें ये पॉइंट्स मेंशन किए होंगे और इसके हिसाब से आपको डिफरेंसेस लिखने होंगे. सपोज ऑपरेटिंग स्पीड पहला पॉइंट है. ऑपरेटिंग स्पीड इसकी कैसी होती है, लो होती है, इसकी हाई होती है. सपोज नंबर ऑफ कोइल्स है, इसमें लार्ज है, इसमें स्मॉल लेस है. रोटर कंस्ट्रक्शन, इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप है. इसमें प्रोजेक्टेड टाइप के पोल्स है, इसमें नॉन प्रोजेक्टेड टाइप के पोल्स हैं. ये बल्की एंड हेवी वेट है, ये कंपेरेटिवली मॉडरेट वेट में आते हैं. एक्सियल लेंथ इसकी शॉर्ट है, इसकी लार्ज है. डायमीटर इसकी लार्ज है, इसकी स्मॉल है. ऑपरेशन, ये इसका नॉइजी है सेलियंट पोल का, इसका स्मूथ है. सेंट्रिफ्यूगल स्ट्रेसेस, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म है. और इसके एप्लीकेशन, ये हाइड्रो पावर स्टेशन में यूज होता है, ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज होता है. तो ऐसे कंपैरिजन के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये है आपके दो टाइप्स के रोटर इन थ्री फेज अल्टरनेट. ठीक है, तो ये दोनों टाइप के कंस्ट्रक्शन में आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक, थैंक यू वेरी मच.